नमस्कार, स्वागत है आपका टी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सेजल। इस वक्त की बड़ी खबर, आज निर्मल नगर में शक्ति केंद्र की बैठक हुई, जिसमें क्षेत्र विधायक सौरभ बहुगुड़ा और नगर पंचायत शक्तिगढ़ के चेयरमैन सुकांत ब्रह्मा ग्राम प्रधान मौजूद रहे। वहीं क्षेत्र विधायक सौरभ बहुगुड़ा ने 2022 चुनाव को लेकर बूथ को मजबूती बनाने पर चर्चा की। इस दौरान सौरभ बहुगुड़ा ने बताया कि आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में हम बूथ की मजबूती, बूथ संचालक, बूथ कमेटी सब लोगों से मिल रहे हैं। चुनाव बूथों की शक्तियों के बिना नहीं लड़ा जा सकता है। पार्टी का क्या काम हो रहा है, क्या काम होने वाले हैं और क्षेत्र के विधायक क्या काम कर रहे हैं और जनता तक पहुंचने के लिए सक्रिय बैठक की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले 2022 के चुनाव में हमारा नया एजेंडा विकास का रहा है और विकास का ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का पूरा अभियान चल रहा है पूरे देश में, जिसमें हम लोग बूथों की बैठक कर रहे हैं। बूथ में जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ पालक हैं, बूथ की हमारी कमेटी है, उन सबसे मिल रहे हैं। 2022 का चुनाव आपको पता है नज़दीक है और कोई भी चुनाव बूथों की शक्ति के बिना नहीं लड़ा जा सकता। बूथों पर अगर आपके कार्यकर्ता, आपके पार्टी के सदस्य अगर मजबूत रहेंगे तो आपको चुनाव में बहुत फ़ायदा होता है। तो हम लोगों ने पूरा बूथ की आज मीटिंग करी है और रोज़ हो रही है, हर गांव में अलग दिन रखी जाती है। उसका लक्ष्य सिर्फ इतना है कि बूथ के जितने भी हमारे लोग हैं उनको सक्रिय करना, उनको पार्टी के क्या काम हो रहे हैं, क्या काम होने वाले हैं, विधायक क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या वो धरातल उतर चुके हैं और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, वो जनता तक पहुंचाने के लिए एक सक्रिय तरीके से हमने योजना बनाई है। और मुझे उम्मीद है कि 2022 में हमारे शक्ति फार्म सितारगंज विधानसभा के हर बूथ से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, मजबूत कार्यकर्ता हैं और वो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। 2022 का नया क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, फिलहाल एजेंडा विकास का ही हमेशा रहा है। हमारा एजेंडा 2017 में भी विकास था, 2022 में भी विकास का रहेगा और उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे।